बिल्कुल आइवा में आके इसके पहले भी मैंने मॉडलिंग की है, बट जो आइवा में मिला वो कहीं नहीं मिला, क्योंकि आइवा में जो मेरी डलजीत मैम है ना, उन्होंने एकदम छोटी छोटी हमारी छोटी छोटी सी कमियों को दूर किया, एकदम घर के जैसे फील कराया, जैसे हम उनके छोटे बच्चे हैं। हर एक चीज़ को उन्होंने सिखाया जो कि मुझे दूसरे जगह कुछ भी नहीं मिला। बहुत ही एटीट्यूड था, लेकिन यहाँ आके तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं आगे बढ़ सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया है। ये इसके पहले मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो गया था, मुझे लग रहा था कि मैं आगे कैसे बढ़ूंगी, क्या करूंगी, लेकिन उनसे मिलकर मुझे दिल से ऐसा लग रहा है कि अब मैं आगे जा सकती हूँ। मुझे एक किरण मिल गई है कि मैं उसमें उनके साथ चल सकती हूँ। कोई किसी ने मेरा हाथ थाम लिया है, क्योंकि मैडम मैडम के बारे में मैं हमेशा देखती हूँ, मीडिया में देखती हूँ, पढ़ती हूँ। इन्होंने एसिड अटैक विक्टिम में काम किया है और कैंसर अवेयरनेस का सपोर्ट करती हैं मैम। बहुत से एनजीओ हैं इनके। और कल हम लोग ने जो आइवा में आके फैशन शो किया, उसमें तो इतना एक्साइटेड था वो फोटोशूट। लावणी ड्रेस पहनकर उसमें हम लोग ने डांस किया, फिर मॉडलिंग का किया, मतलब हर एक चीज, छोटी छोटी चीजों को मैम ने, हम लोग इतना एंजॉय किया। पूल में हम कूद रहे थे, मैम ने बोला ऐसा करो, वह ये करो, फेस ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, और फिर साथ में बैठकर एक साथ खेलना और एंजॉय करना, वो बाइक के ऊपर बैठकर चश्मा लगा के अपने आप को प्रेजेंट करना, मतलब अंदर से ऐसा लगा था महारानी है हम। बहुत ही अच्छा, इतना एंजॉय किया, इतना एंजॉय किया कि ऐसा लग रहा है कि बस सब दुनिया जीत ली। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, और मैं चाहती हूँ कि मैम के साथ ऐसी जुड़ी रहूँ और आगे भी बढ़ते रहूँ। मेरा डांस का इम्प्रूवमेंट होगा और मैं मॉडलिंग में आगे जाऊंगी और मैम के साथ वेब सीरीज में काम करूंगी, और आगे उनके साथ बढ़कर सबको मैं भी सपोर्ट करूंगी। मेरा भी ऐसे मानना है कि मैं भी सबको सपोर्ट करूँ। थैंक यू।